सर्विस से नवाजा गया। महोदय की स्पोर्ट्स हाउस से कह रहे हैं अभी कुछ ही क्षणों में मुख्य अतिथि महोदय आपने सन 1999 और 2000 में बोस्निया और हर्जेगोविना में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे के तौर पर शरणार्थियों तथा बेघर हुए स्थानीय लोगों को प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए निष्ठता की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करते बहुत समय बाद जब हुई चित मन की चीज अभिलाषा हृदय प्रफुल्लित हुआ सभी का पाकर अंत है सीने में जुनून जो भी हो परिणाम यहाँ बस कर्म निरंतर करना है सीमा सुरक्षा पर इन जवानों के सभी हुए कदम तने हुए सीने और गर्व से उठे हुए सी इस बात का संकेत करते हैं कि ये अपने मातृभूमि की गौरव की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए और प्लाटून नंबर 2 ये पीछे आज सीमा के कमान संभाले हुए हैं नौ आरक्षण बीरावती पतन के संतरी हैं मुल्क की आन बान और शान के लिए जय श्रीमान जय भावाध्यक्षा श्रीमती स्मिता अग्रवाल उपस्थित सभी अधिकारीगण अधीनस्थ अधिकारीगण अन्य रैंक्स नवारक्षकगण उपस्थित देवियों सज्जनों मीडिया से आए हमारे बंधु आज का दिन सीमा सुरक्षा बल के लिए एक पर्व से कम नहीं है। आज के दिन हमारे परिवार में 599 नवारक्षक जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर मैं इन नवारक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं। आपने इस दिन के लिए 44 हफ्तों से अथक मेहनत लगन साहस और सहिष्णुता के साथ अपने प्रशिक्षण को पूरा किया है और आज के दिन प्रतिज्ञा लेकर इस प्रांगण से नवारक्षक बनकर निकल रहे हैं। सर 9 महीने पहले इधर आए थे सर 9 महीने मतलब 44 हफ्ते ट्रेनिंग ख़त्म करके सर आज हमारा ये दिन देखने का बहुत सपना था सर जब आए थे सर पहले हम देखते थे टीवी में कि हमारे वीर जवान सर आगे जा रहे हैं तो हमारे भी सपना था कि हम भी आएँ सर ये दिन देखें सर तो आज हमारा वो फाइनली वो दिन आ गया है सर अभी हम बॉर्डर में जाने के लिए रेडी हैं सर। पब्लिक का तो सर 100% सपोर्ट रहा है सर वो चाहते थे कि हमारे
बेटा जाए सर, देश की रक्षा करे सर, देश की सेवा करे सर, बस वही उनका एक उम्मीद था सर। उनका छाती अभी फूल के बड़ा हो जाता है कि सर मेरा बेटा अभी बॉर्डर में देश की सेवा कर रहा है सर, सुरक्षा कर रहा है सर। ट्रेनिंग के दौरान ऐसे कोई मुश्किल नहीं है सर। हमारे जो सर थे, ट्रेनर्स थे, जो हमको प्रशिक्षण दे रहे थे, वो सब बहुत हेल्प किए सर हमको। बहुत जो टैक्टिक्स है, जो ये सब है, वो सब हमको सिखा के सर एक काबिल वीर बना के अभी हमको इस दिन इधर आके खड़े किए सर। हमको कश्मीर में ही पोस्टिंग है सर, 127 बटालियन सर। तो मैं बस आशा लगा लगन से सर मैं मेरा ड्यूटी करना पसंद करूंगा सर। बहुत चाहते हैं, हम जब नए नए आए थे हमको फौज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब आए हैं ट्रेनिंग शुरू किए, पहले पहले बहुत मुश्किल लगा, लेकिन बाद में अच्छा भी लगा और अभी हम सिपाही तैयार हो गए सर। लोगों के लिए तो बहुत अच्छा खबर है क्योंकि हम अभी आ गए हैं नए आरक्षक और हम देश के लिए सेवा करेंगे और ईमानदारी और मेहनत से देश की सेवा करेंगे। बचपन का सपना था सर बीएसएफ में आने का, अभी यहाँ आके बहुत खुशी लग रहा है सर। बहुत मुश्किल है सर, बाकी उस्ताद लोग का, हाँ सर उस्ताद लोग का जो सपोर्ट है, जो आशीर्वाद है उनके, मतलब ट्रेनिंग के ऊपर जो सिखलाई है, बहुत अच्छे से हमारे उस्ताद लोग हमको ट्रेनिंग दिए हैं और ठीक से हम उनसे ट्रेनिंग लिए भी हैं। अभी अच्छा लग रहा है बीएसएफ में आके ट्रेनिंग लेके।